हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग सारी फैमिली बैठ कर आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों के लिए भी है। हेलो गाइस, मैं श्रेष्ठी और इधर है आयुष और बाहर आइसक्रीम बिक रही है, तो आप लोगों को तो आवाज सुनाई दे रही होगी। और ये देखिए आयुष की हरकत, और इधर मम्मी है जिनकी तबीयत खराब है और ये फिर भी अपने काम में लगी हुई हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग बोलते हैं कि आराम करो फिर भी ये नहीं करती हैं। आप लोग फिर से बोलो इनको, हाय करती हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, इनको इलाज कराया जाए या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ये तो बस अपने काम में लगी रहती है, खुद तो थोड़ा सा भी आराम नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखो कैसे देख रही है। गाना गा रहा था, आप लोगों ने सुना। और अभी मम्मी तो काम कर रही थी तो सोचा मैं ही ब्लॉग शुरू कर दूं। ये देखो अभी तक ये काम ही कर रही है, इनको मतलब आराम करना नहीं होता है, इतनी सारी दवाई खाती है। आप लोग बोलते हो आराम करो, अपना ख्याल रखो, फिर भी नहीं रखती हैं। तो आप लोग फिर से इनको बोल देना, और ये नहीं मानती, मतलब कोई भी बात नहीं मानती है, बस अपना काम करना है। और खाना भी टाइम से नहीं खाती है, मतलब इनका ब्रेकफास्ट 11 बजे होता है, 11 बजे ब्रेकफास्ट कौन करता है? तो इन लोग, आप लोग कमेंट करके इनको बताइएगा कि इनको टाइम से खाना चाहिए और दवाई भी टाइम से लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और मैंने अभी आलू का पराठा बनाया है ब्रेकफास्ट में, तो वही हम लोग सब खा रहे थे। और आप लोग भी आइए, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो पूरा देखा कीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो थोड़ा सा देखते हो और फिर कमेंट कर देते हो कि हमने फुल वॉच कर लिया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होता है आपने वॉच किया या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किया कीजिए क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, मैंने दूध गर्म नहीं किया था तो मैं यही दूध गर्म कर रही थी। और अभी मैं थोड़ा सा ग्लास को धोकर उस दूध में पानी डाल दूँगी और उसे मैं फिर गैस पर चढ़ा दूँगी। और मुझे आता है कि दाल मुझे चेक करना था, तो मैं वही दाल चेक करने लगी थी। देखिए मैं अभी दाल चेक कर रही हूँ, तो मैंने देखा इस पर वो जो सूड़ी होती है ना, सूड़ों वाली पिल्लू जो होती है वो ब्लैक ब्लैक वही हो गई थी इसमें। तो मैंने सोचा इसे को धूप में देने से ठीक हो जाता है शायद, तो मैं धूप में इसे देने आ गई हूँ। तो देखिए मैं इसे धूप में दे रही हूँ, और तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस स्थिति में क्या करते, कैसे इसे बचा जाए, क्योंकि हमारे चावल गेहूँ जो भी रखा रहता है घर में सब ये वाला हो जाता है और हमें बहुत परेशानी होती है इसके कारण, ये सारा मतलब ख़राब कर देता है अनाज। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।